प्रभु यीशु मसीह के मधुर उज्जलाली नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रार्थना में जाने से पहले मैं चाहती हूँ प्रभु का वचन आप सभी को दूं। प्रभु का वचन आज मरकुस की अंजील उसके 15 बाप में हम 10 आयत में पढ़ेंगे। तो जहाँ वार्तालाप हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो फरीसी थे वो बातें बोलते थे, तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, ये इनका कैसा स्वभाव है, उसके बारे में लोगों को बता रहे थे। आइए हम वचन के बीच में जानते हैं। वचन में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो खाता है, खाने से मनुष्य के अंदर जो खाने से मनुष्य बुरा नहीं होता ना ही अशुद्ध होता है, मतलब मुंह से निकल से जो बातें निकलती है, जो अंधे दिल की छुपी हुई बातें मुख से द्वारा निकलती है वो इंसान को अशुद्ध कर देती है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि ऐसा खाना पाप है, जब मीट मच्छी खाना गुनाह है, ये पाप, ये नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ये इंसान को अशुद्ध कर देती है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये चीज़ें बंदे को गंदा नहीं करती है, बंदे को अशुद्ध नहीं करती, यानी हम मुंह से जो खा रहे हैं, हमारे पेट में जा रहा, वो हमें गंदा नहीं करता, अशुद्ध नहीं करता। हमारे मुँह से जो निकल रहा है, हमारे दिल से जो निकल रहा है, जो किसी के लिए जो हमने जेलेंसी पैदा करके रखी है, किसी लिए हमने नफरत पैदा करके रखी है, वो जब हमारे अंदर से निकलती है वो हमें अशुद्ध करती है, वो हमें प्रभु के वचनों से दूर करती है, वो हमें गिराती है, वो ही गिराने का कारण बनती है। हालेलुया। तो प्रिय मेरे भाई बहनों, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो प्रभु ने नहीं बनाई है, हर तरह के जीव जंतु प्रभु ने बनाए हैं, कोई भी चीज़ धरती पर अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध है, सब पवित्र है। तो इसलिए ये नहीं कि जो हम खाते हैं उससे इंसान यानी कि आप अहंकारी हो जाता है, जहाँ कुछ गलत चीज़ें करने लगता है, खाने से नहीं, बल्कि इंसान की अंदर की जो बुराई है वो बंदे को अशुद्ध करती है, वो इंसान को शुद्ध करती है, वो इंसान को बिगाड़ती, जो अंदर छिपी हुई बुराई है। आज हमें ज़रूरत है इस अंदर की छिपी हुई बुराई को नाश करने की। ये बुराई हमें और अगले लेवल तक हमें नहीं जाने देगी, ये बुराई हमें अंदर ही अंदर खा जाएगी और एक दिन हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो आइए आज अब हम अपने अंदर की बुराई को निकालें, हमारे मुख से निकलने वाली जो बातें हैं उसको बाहर निकाल दें, हमारे मन में, हमारे विवेक में ऐसी कोई बात ना आए, किसी के लिए बुराई की बातें ना आए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मिलकर हम प्रार्थना कर दें स्वर्गीय पिता के आगे, जिसने हमें दिन भर संभाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, जीवता खुदावन, धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर दोपहर के लिए, सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर रात के लिए जो आने वाली है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने दिन भर हमें संभाला, अपने हाथों में रखा पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है पिता परमेश्वर। हम सारी स्तुति प्रभु तेरे नाम को देते हैं, सारी जलाल प्रभु तेरे नाम को देते हैं, महिमामय परमेश्वर खुदावन तेरा धन्यवाद करते कि तेरा फजल है प्रभु परमेश्वर, हम जीवतों की मंडली में अभी तक है पिता परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, खुदा यीशु आजा, आपने हमारी मदर सहता की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सब कामों के लिए पिता, जितने हमारे जीवन में हो रहे पिता परमेश्वर, सब कामों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य को पिता परमेश्वर जो वो खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, बल्कि मनुष्य के अंदर से जो छुपी हुई गुप्त बातें हैं, जो बुराई है पिता परमेश्वर, वो उसे अशुद्ध करती है। मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदावन, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आसे पिता परमेश्वर हम शुद्ध मन वाले हो जाए पिता, हमारा मन, हमारा विवेक आसे शुद्ध हो जाए प्रभु यीशु तेरे वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, और हमारे अंदर की जितनी गुप्त बातें खुदावन जो पिता परमेश्वर हम तेरे तेरे सामने खड़ा होने नहीं देते पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर आज खत्म करना पिता, हमारे मन विवेक को साफ करना, पवित्र करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। पिता जितने लोग प्रभु आज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, मैं चाहती हूं उनके लिए प्रार्थना करना पिता, आज ये चंगे हो जाए पिता, सुनते सुनते प्रभु तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरी को पाए पिता परमेश्वर खुदावन यीशु आजा। जितने लोग कह रहे हैं पिता परमेश्वर मेरे कमर में दर्द है, मेरे सिर दर्द है पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर बॉडी में पेन रहता पिता परमेश्वर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन इधर उधर नहीं जा पाती पिता परमेश्वर, खुदा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में आज ये हीलिंग को पाए, तेरी डिलीवरेंस, तेरे छुटकारे
को पाए पिता परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति के मनों में आए पिता परमेश्वर, तेरी हीलिंग तेरा बड़ा हाथ जलाली हाथ इनके ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जिन बहनों भाइयों के काम नहीं पिता, जिन्हें शॉप नहीं मिल पा रही प्रभु यीशु, उन्हें शॉप मिले पिता परमेश्वर, अच्छा कारोबार मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु राजा पिता परमेश्वर। जिन बहनों भाई के परमेश्वर रिश्ते प्रभु जी वो अच्छे नहीं है खुदावन, उनकी रिश्ते अच्छी हो जाए पिता परमेश्वर खुदा, पति पत्नी के आपसी बीच में जो कलेश है प्रभु यीशु तेरे नाम से वो जाता रहे पिता परमेश्वर खुदा। जिन भाई बहनों को प्रभु रिश्ते नहीं हो रहे प्रभु, उनके रिश्तों का इंतजाम करना पिता, डिवाइन हेल्पर भेजना पिता परमेश्वर खुदा यीशु आजा। जिनकी ज्यादा उम्र हो रही पिता परमेश्वर और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा पिता परमेश्वर, शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य में हर दीवार खुल जाए पिता परमेश्वर, हर रास्ता प्रभु यीशु तेरे नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर खुदा। जिन्हें हीलिंग चाहिए उन्हें हीलिंग मिले प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, जिन्हें छुटकारा चाहिए छुटकारा मिले प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदा, जिन्हें बरकत चाहिए प्रभु उन्हें बरकत मिले यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। इन सब भाई बहनों को प्रभु तेरे लहू में कवर करती हूँ, छुपाती हूँ प्रभु तेरे हाथों में पिता परमेश्वर खुदा यीशु राजा। सबकी दुआ को सुनना प्रभु, मैं नहीं जाती इन सबकी क्या क्या दुआएं पिता, पर प्रभु जो आप इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुनना पिता परमेश्वर खुदा और मानना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा पिता, जितने मांग रहे प्रभु उन्हें देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु आजा। आज रात मैं तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, ये अच्छी नींद ले प्रभु, मीठी नींद ले पिता परमेश्वर, कोई चिंता कोई बोझ आज इनका हिस्सा ना हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। आज रात दर्शन देख के प्रभु इनसे बात करना पिता, इनके मनों को बदलना, हृदयों को चेंज करना पिता सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करती हूं आपने मेरी विनती और प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, मैं सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देती हूं, सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु मैं तेरे नाम को देती हूं खुदा यीशु आजा। तू बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।